भारी भरकम बजट से बनने वाली फिल्म महाभारत के लिए आमिर खान ने प्रभास को अप्रोच किया है। आमिर खान चाहते हैं कि फिल्म बाहुबली में अपना जलवा दिखाने वाले प्रभास उनकी इस फिल्म का हिस्सा बने। आमिर खान ने अपने इस प्रोजेक्ट पर अब काम शुरू कर दिया है। बता दें कि इस फिल्म पर मुकेश अंबानी पैसा लगाएंगे और ये 3 पार्टों में बनेगी। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आमिर और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने हाथ मिलाया है। यह प्रोजेक्ट काफी समय से डिले हो रहा था, लेकिन अब आमिर अपने फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से फ्री होने के बाद ऐसे में महाभारत की कास्टिंग का काम शुरू कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो आमिर खान ने महाभारत में अर्जुन के रोल के लिए प्रभास को अप्रोच किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर प्रभास अर्जुन के रोल के लिए राजी हो जाते हैं तो कृष्ण का रोल खुद आमिर खान प्ले करेंगे। वहीं चर्चा है कि इस फिल्म के मेन रोल द्रौपदी के लिए दीपिका पादुकोण से बात की जा रही है। आमिर खान की फिल्म महाभारत 3 पार्ट की पूरी सीरीज होगी। इससे बनने में लगभग 10 से 15 साल लगेंगे। हर सीरीज में कास्ट अलग हो सकती है। फिलहाल आमिर की टीम तेजी से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये फिल्म बाहुबली के तर्ज पर बनेगी, जिसमें एक फिल्म की कहानी पर दूसरी कहानी टिकी होगी। महाभारत कब बनेगी, कौन अभिनेता और अभिनेत्री इस फिल्म में काम करेंगे, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी किसी के पास नहीं है। फिर भी कयासों का दौर जारी है। इस फिल्म के बारे में रोज कोई ना कोई नई खबरें सुनने को मिलती हैं। आमिर खान के इस प्रोजेक्ट में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, रजनीकांत, विद्या बालन, रणवीर सिंह, विद्युत जामवाल, अभिषेक बच्चन और बाहुबली फेम प्रभास और SS राजामौली जैसे बड़े नाम भी जुड़े हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।